इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रसनी क्या होता है और जानेंगे ग्रसनी से ग्रास नली से होते हुए भोजन अमाशय में कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रसनी मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। इसमें दो छिद्र होते हैं, पहला निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है, दूसरा कंठ द्वारा जो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे कंठी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब मनुष्य भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता। ग्रास नली आहार नाल का एक संकीर्ण भाग है। इसकी लंबाई 10 से 12 इंच होती है। यह ग्रसनी और अमाशय को मिलाती है। यह ग्रीवा भाग व वक्ष भाग से होकर डायाफ्राम तक जाती है। डायाफ्राम अमाशय के पीछे खुलती है। ग्रास नली और अमाशय जहाँ मिलते हैं वहाँ पर ग्रसिका अवरोधनी इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो ग्रास नली और अमाशय के बीच के छिद्र को नियंत्रित करता है। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे सातवें पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।